जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार, स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे फ्रेम में देखिए दोस्तों, हमारे पास है आज डिजायर। सीएनजी में वेरिएंट है, वीएक्सआई वेरिएंट है, लेकिन नया क्या है? तो दोस्तों नया है इसका कलर। दोस्तों कंपनी ने हाल ही में ये कलर लॉन्च किया है, तो देखेंगे इस कलर में गाड़ी कैसी लग रही है, ठीक है। और अंदर कुछ इसमें एसेसरीज भी डली हुई है, जैसे सीट कवर वगैरह, तो वो भी दिखा देंगे कि वो इसमें कंपनी से जो आ रहे हैं वो कैसे आपको डले हुए मिलते हैं, ठीक है, अगर आप बाहर आफ्टर मार्केट नहीं डलवाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों फाइनली सामने है मारुति सुजुकी डिजायर। सीएनजी में वेरिएंट है और वीएक्सआई वेरिएंट है। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल नया नया, और क्या ग्लो कर रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा कलर लग रहा है ये, एक तरह से जैसे कि आसमान का रंग होता है ना स्काई ब्लू, तो उसका भी लाइट कलर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। हालांकि सिल्वर टच के साथ में ये आता है, ठीक है। सबसे पहले कीमत की बात करें, एक शोरूम 8,39,000 रुपये पड़ती है। 1,197 सीसी का फोर सिलेंडर इंजन मिलता है, ठीक है। और अगर पावर की बात करें तो 76.43 bhp की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। माइलेज सबसे तगड़ा है दोस्तों, माइलेज 31.12 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज यहां सीएनजी में देखने के लिए मिलता है। इतना तगड़ा माइलेज दोस्तों कौन सी गाड़ी देती है, और वो भी कॉम्पैक्ट सेडान दोस्तों, तो इस तरीके का तो आपको माइलेज मिल जाता है। अब इस गाड़ी को कौन नहीं लेना चाहेगा इतने तगड़े माइलेज के साथ में। और दूसरी चीज़ बात करें सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी, तो वो मैं बाद में ही दिखाऊंगा आपको कितनी मिलती है, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे फ्रंट से, आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है ना हेडलैम्प हेलोजन बेस्ड मिलेगी, इसी में इंडिकेटर यूनिट मिल जाती है, ठीक है। नीचे फॉग लाइट, ये एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पर लगवाई गई है फॉग लाइट, ठीक है। क्रोम का ये वाला पार्ट भी लगवाया गया है, ये पार्ट पहले से ही मिलता है, ठीक है। ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको ऐसी मिलेगी, मैट ब्लैक फिनिश में, बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखो साइड प्रोफाइल पे यहाँ पर ORBM के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर मिलेगा, इसमें एसेसरीज ये भी ऐड की गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री तो नहीं मिलती, लेकिन रिमोट की देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो क्रोम का टच है ना, ये भी ऐड किया गया है, ये एक्स्ट्रा में है सब दोस्तों, गाड़ी डिलीवरी के लिए, तो कस्टमर ने अपनी चॉइस पर लगवाई है, ठीक है। मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि आपको लगने के बाद कैसी लगती है। उसके बाद देखिए पीछे की तरफ चार रिवर्स पार्किंग सेंसर तो मिल जाते हैं, लेकिन ये स्ट्रिप भी लगवा दी है। उसके बाद देखो टेल लाइट ऐसी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप मिलता है क्रोम का, ठीक है। पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर डिजायर लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। पीछे वाला जो ग्लास है उसमें ना तो डिफॉगर मिलता है, वाइपर तो खैर इसमें मिलता ही नहीं है। ऊपर एंटीना कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। इसमें सीएनजी सिलेंडर की बात और कर लें तो सिलेंडर तो मैं बाद में दिखाऊंगा बूट ओपन करके, लेकिन कहाँ से भरी जाएगी सीएनजी, तो वो भैया यहाँ से भरी जाती है। ये सबसे बेकार चीज लगती है मुझे स्विफ्ट की और डिजायर की, ठीक है। सीएनजी भरने के लिए कोई भी इस कैप को खोल सकता है। 55 लीटर की कैपेसिटी का यहाँ पर आपको सीएनजी सिलेंडर मिल जाता है देखने के लिए। और अगर टायर साइज की बात करूं तो यहाँ पर जो टायर साइज आपको मिलता है वो 165/80 के प्रोफाइल के साथ में 14 इंच का स्टील रिम मिलता है। पीछे की तरफ तो ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन आगे की तरफ जो है ना वो डिस्क ब्रेक ही मिलता है। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो चलते हैं अंदर की तरफ। करता हूँ डोर को ओपन, तो सबसे पहले देखो दोस्तों डोर पे, तो यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में मिल जाता है। चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन, यहाँ गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM, यहाँ पर कुशनिंग बेज कलर में मिलती है, फैब्रिक कुशनिंग आपको मिलने वाली है, बॉटल होल्डर, और यहाँ पर एक वो मिल जाता है मैप पॉकेट। चार स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीएनजी और पेट्रोल को चेंज करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट एडजस्टेबल। सीटिंग की बात करें तो चारों ही सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर सीटिंग कवर देख लीजिए दोस्तों, कंपनी की तरफ से चढ़े हुए कवर हैं, और कुशनिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है यहाँ पर, और क्रॉस पैटर्न में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब अंदर की तरफ बैठ कर देखें तो देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पर टैकोमीटर और स्पीडोमीटर, ये एनालॉग में मिल, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बीच में एक MID मिल जाती है। स्टेयरिंग पर बात करूँ तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देख सकते हैं, यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल और टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर सेटअप मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर एसी वेंट सेम वही पैटर्न मिलने वाला है। 2 DIN म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो म्यूजिक सिस्टम है ये आपको टच सेंसिटिव मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, और यहाँ पर USB पोर्ट और एक ऑक्स के लिए मिल जाता है देखने के लिए। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, एक स्पेस आपको उधर देखने के लिए मिल जाता है, ये कंपनी ने गिफ्ट में दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। पार्किंग ब्रेक के अंदर ये जो नॉब है ये क्रोम में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से ग्लोव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है।
और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो देखो टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको लाइट ऐसी मिल जाती है येलो कलर की, डे नाइट वाला आपको IRBM मिल जाता है, पैसेंजर साइड में जो सनसेट है उसमें वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलेगा। तो ये है कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप। अब चलेंगे रियर कैबिन में, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, तो चलते हैं रियर कैबिन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये वुडन टेक्सचर तो मिल ही रहा है, उसके बाद पावर विंडो का बटन मिल जाता है, ये बॉटल होल्डर मिलता है, स्पीकर एक यहाँ मिलता है, और यहाँ पर क्रोम में डोर हैंडल, और पीछे की सीटिंग देखिए क्या लग्जरी लग रही है दोस्तों। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की कार है, और देखो बेज कलर जो है ना कितना निखर के आता है। बैठ के बात करते हैं दोस्तों, बैठ के देखिए कितना शानदार और मजेदार लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। पीछे से देखें तो डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, साथ में दो कप होल्डर भी मिल जाते हैं, लेकिन कप होल्डर जो है ना ये ऊपर ऊपर को निकले जैसे रखे हैं। देखो ये फिनिशिंग फिट फिनिश जो है ना ये बढ़िया नहीं लगी, देख रहे हो क्या, मतलब कस्टमर घर पे ले जाएगा और क्या कहेगा, ठीक है, या तो ये अच्छे से लगाया नहीं गया था। अब जैसे देखिए अब लगा दिया मैंने तो अब बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाता है, उसके बाद देखो सीटिंग बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों, बेज कलर में सीट है, उसके बाद यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है, तो कुछ ऐसा सेटअप मिलता है। अब इसका बूट और दिखा देता हूँ, बूट में आपको कितनी स्पेस मिलती है, लेकिन उससे पहले देखो पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ एसी वेंट मिल जाता है, और यहीं से ये एसी का फैन जो स्पीड है ना फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी मिल जाता है। उसके बाद एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर भी मिल जाता है, ये रिमोट रखा हुआ आता है, ये रिमोट के जमाने गए, लेकिन जहाँ टू डिन म्यूजिक सिस्टम है वहां अब भी ये मिलता है, ठीक है। अब बूट में और देखेंगे बूट में आपको कितना स्पेस मिलेगा, तो चलते हैं बूट की तरफ। देखो दोस्तों अब अगर बूट की बात करें तो देखो बूट को तो कर दिया ओपन, और 55 लीटर का जो सिलेंडर है ना वो आपको कुछ इस तरीके से रखा हुआ दिखेगा, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो फ्रेम देख रहे हैं ना ये फ्रेम डायरेक्ट चेसी से माउंट है, और चेसी से माउंट होने की वजह से ना इसकी जो मतलब मजबूती है वो एकदम से खूब बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा कि यहाँ पर आप छोटे वाले दो ट्रॉली बैग रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको स्पेस नहीं मिलता है। अगर आपको माइलेज चाहिए तो माइलेज के बाद अगर स्पेस चाहिए तो कैसे होगा, तो यहाँ पर इतना ही मिलता है। तो और यहाँ पीछे की तरफ टेलगेट देख लो, इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, इसे कर देता हूँ मैं बंद। तो दोस्तों ये थी मारुति डिजायर के VXI वेरियंट की वीडियो CNG में और कलर एकदम से नया। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सो जय हिंद।